नहीं हरियाणा में किसी भी प्रकार के हरियाणा के लोग इंटेलिजेंट हैं, और ये देश तोड़ने वाली गतिविधियों में हरियाणा के लोग शामिल नहीं है। हरियाणा के लोग तो बॉर्डर पर अपनी कुर्बानी देने के लिए कूद कूद कर जाते हैं, कभी भी देश तोड़ने वाली घटना में शामिल। पंजाब में तो उन्होंने फिर सिद्धू पूरन प्रधान बना दिया था, यहाँ तो 1/5 बनाया, 4 तो वो बना दिए, 1/5 है। तो हरियाणा में भी कांग्रेस का वही हाल होने वाला है जो पंजाब में हुआ। जो झूठ से पैदा हुई है, जो धोखे से पैदा हुई है, उससे कुछ अच्छा उम्मीद नहीं की जा सकती। तस्वीरें करनाल की हैं, जहां हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज पूर्व मंत्री शशिपाल मेहता के निवास स्थान पर उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर से निशाना साधा और देश के लिए पार्टी को खतरनाक बताया। साथ ही इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 9 मई को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबाला आएंगे और कैंसर सेंटर का उद्घाटन करेंगे, जिसका फायदा आसपास के राज्यों को मिलेगा। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए पहले आपको वो सुना देते हैं। वहाँ कैंसर के अस्पताल का उद्घाटन करते हैं 9 तारीख। काफी फायदा होगा सर इससे? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, J&K, राजस्थान, वो टॉप का स्टैंडर्ड का, यानी हरियाणा में किसी भी प्रकार के हरियाणा के लोग इंटेलिजेंट हैं, और ये देश तोड़ने वाली गतिविधियों में हरियाणा के लोग शामिल नहीं हो सकते। हरियाणा के लोग तो बॉर्डर पर अपनी कुर्बानी देने के लिए कूद कूद कर जाते हैं, कभी भी देश तोड़ने वाली घटना में शामिल। स्लीपर सेल की बात करी आपने, देखिए कांग्रेस ने हरियाणा में भी वही किया जो उन्होंने पंजाब में किया। पंजाब में तो उन्होंने फिर सिद्धू पूरन प्रधान बना दिया था, यहाँ तो 1/5 बनाया, 4 तो वो बना दिए, 1/5 है। तो हरियाणा में भी कांग्रेस का वही हाल होने वाला है जो पंजाब में हुआ। केजरीवाल रैली करने आ रहे हैं सर कुरुक्षेत्र में? नहीं, कोई भी कहीं भी आ सकता है, मजबूत कर रहे हैं इसके लिए, किसी को कोई मनाही नहीं है। लेकिन केजरीवाल पार्टी एक झूठी पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है। 18,000 के आंदोलन में धोखे से पैदा हुई पार्टी है ये। 18,000 के आंदोलन के एजेंडे में राजनीतिक पार्टी बनाने का कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन कुछ शरारती लोगों ने 18,000 की पॉपुलरिटी को राजनीतिक पार्टी में कन्वर्ट कर दिया। जो झूठ से पैदा हुई है, जो धोखे से पैदा हुई है, उससे कुछ अच्छा उम्मीद नहीं की। इस दौरान पटियाला में हुई हिंसा को लेकर भी अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि हरियाणा के लोग इंटेलिजेंट हैं और वो देश के लिए कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वो देश को तोड़ने की बात नहीं करते। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो पंजाब में किया वही हरियाणा में किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिद्धू को प्रधान बना दिया था, जबकि हरियाणा में तो 1/5 बनाया है। वहीं आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी झूठी पार्टी है और धोखे से बनी है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा में पार्टी को मजबूत करने कुरुक्षेत्र में रैली करने जा रहे हैं, जिसको लेकर भी अनिल विज ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपने कार्यक्रम करने की पूरी छूट है, लेकिन आम आदमी पार्टी धोखे से बनी है तो वो देश हित के लिए ठीक नहीं है। करनाल से KCRA पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।